पानीपत से बड़ी खबर है जो कि हैरान करने वाली भी है। चूंकि सरकारी अस्पताल की डिप्टी सीएमओ कोरोना संदिग्ध पाई गई है, तो डॉक्टर जो कि लगातार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उनके भी कोरोना वायरस की चपेट में आने के मामले सामने आ रहे हैं। पानीपत से मामला है, हालांकि फिलहाल संदिग्ध है डिप्टी सीएमओ, और इससे पहले एक डॉक्टर में भी कोरोना के लक्षण पाए गए थे डिप्टी सीएमओ और दूसरे जो डॉक्टर थे उनके सैंपल भेजे गए थे और दोनों को क्वारंटाइन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है पानीपत से, महिला डिप्टी सीएमओ और उनके अलावा एक और डॉक्टर में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद ब्लड टेस्ट लेकर लैब भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, इंतजार है रिपोर्ट का। सीधे आपको पानीपत लिए चलते हैं, प्रदीप रेणु हमारे संवाददाता हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए हैं। प्रदीप, विस्तार से इस खबर को बताइए जिसमें डिप्टी सीएमओ और उनके अलावा एक और डॉक्टर में लक्षण पाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का अभी इंतजार है। हालांकि जी ज्योति, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डिप्टी सीएमओ कोरोना के संदिग्ध पाए गए हैं, इनको प्रशासन की तरफ से नोडल ऑफिसर बनाया गया था जी। तो इनको गले में प्रॉब्लम हुई, खांसी जुकाम हुई, तो इन्होंने शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की, उसके बाद इनका सैंपल ले लिया गया क्योंकि कुछ लक्षण इनके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी बड़ी बात, एक अन्य डॉक्टर जो लगातार पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में था, उनकी जांच कर रहा था, उनकी निगरानी रख रहा था, तो वो भी उसके अंदर भी कुछ लक्षण दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिपोर्ट आनी है और लैब में जांच के लिए ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिए गए। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।